कई बार क्या होता है कि हम छोटे मोटे चीज़ों पे घर में ध्यान नहीं देते और वही चीज़ हमारे काम आ जाती है कभी ना कभी। तो वही सब टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं लेकर आई हूँ, घरेलू उपाय जो कि बिना पैसे खर्च किए हुए आपका समस्या का समाधान मिल जाएगा घर में ही। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग आलता लगाते हैं और आलता भी टाइल्स में लग जाता है, चूड़ी पहनते समय चूड़ियाँ फूट जाती है और हमारे हाथ कट जाते हैं। तो सारा कुछ आज मैं बताऊँगी कि आपको कैसे क्या करना है, बस लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगी सेफ्टी पिन के बारे में। जब हम साड़ी में लगाते हैं सेफ्टी पिन तो साड़ियाँ फट जाती है, हमारे कपड़े फट जाते हैं। उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे हम मोती लेंगे, दो या एक मोती भी आप इसमें डाल सकते हैं, एक भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा मोती ना हो, और पिन में इस तरह से मोती डाल दें। उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मोती निकल जाएगा तो थोड़ा सा इसमें आप गम इस तरह से चिपका दीजिए, और ये बिल्कुल भी अब हिलेगा भी नहीं। जब भी आप साड़ी पहनेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल भी मोती गिरेगा नहीं और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और ना ही आपके साड़ी या कपड़े फटेंगे। तो ये तो हो गया पहला टिप्स। और अब अगला बताती हूँ मैं। अगला क्या है कि बहुत ही सिंपल है, अगर आपके पास मोती ना हो ना तो आप क्या कीजिए कि पेपर, कोई भी पेपर ले लीजिए, न्यूज़ पेपर हो या बच्चों का रफ बुक से कोई पेपर ले लीजिए और उसको इस तरह से छोटा सा फोल्ड करके और इसको सेफ्टी पिन में लगा दीजिए। इससे भी आपके साड़ी फटेंगे नहीं, इससे भी आपका साड़ी बच जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो देखिए दोस्तों, बिना पैसे खर्च किए हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा बहुत फ़ायदा हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा साड़ी फट जाता है, और कई बार तो बहुत महंगे महंगे साड़ियाँ होती है और फट जाती है। वो सबसे बचने के लिए ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं बताने वाली हूँ, तो कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सबसे अच्छा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए अगला टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अगला है ईयर रिंग को लेकर है। ईयर रिंग हम जब भी इस तरह से रख देते हैं पूरा एक में उलझ जाता है, और हमें जब पहनना रहता है तो बड़ा मुश्किल होता है। जब कभी जल्दी रहता है तो निकल ही नहीं पाता, हमें निकालने में ही आधा टाइम चला जाता है। तो आप क्या कीजिए कि जो पेच वाली है ना ईयर रिंग, उसको आप इस तरह से अगर उसका कवर आप फेंक दिया है आपने, तो उसको क्या कीजिए कि कोई भी पेपर ले लीजिए और पेपर में इस तरह से लगा के और पेच उसका पीछे चिपका के और इस तरह से आप उसको सेफली रख सकते हैं। जब भी कभी आपका जल्दी रहेगा ना, कहीं भी जाना होगा आपको, तो आप एक लीजिए और पहन सकते हैं। अब एक यहाँ पे एक प्लास्टिक का डब्बा मैं ली हूँ गोल सा, और यहाँ पे जो हुक वाली ईयर रिंग्स है ना, इनको आप इस तरह से देखिए फंसा के डब्बे में रख सकते हैं एक एक। इससे क्या होगा कि आपको इजली जब कभी कहीं जाना हो तो एकदम फटाक से निकालिए और पहन सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। और ये पेपर में हम झुमके वगैरह या जो गोल वाले रहते हैं कान का, उसको हमने लगा के रखा है। अगर आपके पास कवर है, कवर आपने नहीं फेंका है, तो आप कवर में भी रख सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन भी मिल रहे हैं ईयर रिंग का बहुत सारा, पर क्या है कि हम बिना पैसे खर्च किए हुए कर रहे हैं, इसलिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए चूड़ी, कई बार क्या होता है हम इस तरह से पहनते हैं और हाथ में ही टूट जाती है चूड़ियाँ, हमारे हाथ भी कट जाते हैं। तो उसके लिए पहला तो मैं ये बताऊँगी कि वेसलिन लीजिए यहाँ पर, और वेसलिन अपने हाथों में लगा लीजिए। चूड़ी चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, आपको इजली हाथ में चला जाएगा, पहन पाएंगे और निकल भी जाएगा। कभी कभी रहता है कि चूड़ी का साइज़ थोड़ा छोटा है और हाथ में नहीं पहन पा रहे हैं, तो आप वेसलिन लगा के, या फिर वेसलिन ना हो अगर आपके पास तो आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। मैं कई बार नारियल के तेल से भी चूड़ी पहनी हूँ, बहुत ही इजली पहन पाती हूँ। और एक और तरीका यहाँ पे ये है कि एक पॉलीथीन लीजिए और इस तरह से देखिए, पॉलीथीन हमने लिया है और हाथ में मैं इसको पहन लूँगी। इससे एक और फ़ायदा क्या होगा कि आपका चूड़ी अगर टूट भी जाता है पहनने में तो हाथ नहीं कटेंगे, हाथ एकदम आपका सेफ रहेगा। तो आप इस तरह का भी ट्रिक्स अपना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से सारा चूड़ी मैं पहन लूँगी। उसके बाद क्या करूँगी कि अगर निकालना होगा चूड़ी तो आप इसी तरह से निकाल भी सकते हैं पॉलीथीन लगा के। अगर आपकी चूड़ी की साइज छोटी है तो आप इसी तरह से निकालिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए पॉलीथीन को हमने इस तरह से निकाल लिया है।
और चूड़ी कितना अच्छे से हमने पहन लिया है, एक भी चूड़ी नहीं टूटा और एकदम आराम से फटाफट से। जब कभी शादी रहती है, पार्टी रहती है, तो हमें बहुत जल्दी रहती है तैयार होने की, तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है। कई बार तो क्या होता है दोस्तों कि हम बहुत सारा चीज़ जानते हैं पर वो चीज़ कर नहीं पाते, क्योंकि हमें याद नहीं रहता, और जब कभी हम देखते हैं वो चीज़ तो याद आ जाता है। अब यहाँ पे आलता को लेकर मैं बता रही हूँ। आलता देखिए इस तरह का जब डब्बा में रहता है ना, तो हम लगा नहीं पाते हैं, तो इसको मैं क्या करूँगी, खाली डब्बे में मैं पलट लूँगी। यहाँ पे कपूर का खाली डब्बा था मेरे पास, तो कोई भी आपके पास डब्बा अगर खाली हो उसमें आप आलता को पलट लीजिए। और इस तरह से एक ब्रश लिया है हमने। कई बार क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि पीछे का पावर नहीं हम खुद से भर पाते अच्छे से उंगली नहीं पहुँच पाती बहुत लोगों को। तो देखिए इस तरह से अगर आप ब्रश से करेंगे ना, तो पीछे का जो हील रहता है ना, हील के ऊपर देखिए पूरा ऐसे भरा जाता है आलता से, तो ये आपका बहुत ही आराम से ब्रश से हो जाएगा। ये पहली बार हमने ट्राई किया, बहुत ही अच्छा हुआ, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और ऊपर नाखून के जो भाग होते हैं उंगली, वहाँ पर भी ब्रश से बहुत फटाफट से लग जाता है। और अब जो ऊपर की जो एरिया है जहाँ पर डिजाइन बनाते हैं कलर से आलता से, वो आप इससे कर लीजिएगा, जैसे एक रुई वाला होता है ना कान साफ करने वाला, उससे आप यहाँ पे डिजाइन बना सकते हैं देखिए इस तरह से, और फटाफट ब्रश से लग जाता है पूरे पैर में आलता। तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। अब चलिए हम चांदी की पायल को सफाई करके आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने गैस जला के और एक बर्तन में पानी रख लिया है गर्म होने के लिए। इसमें एक चम्मच हमने सर्फ डाल दिया है वाशिंग पाउडर, और इसमें मैं छोटा सा 2 चम्मच चाय पत्ती डाल दूँगी, आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। और इसको उबलने के बाद इसमें डाल देना है पायल को। तो ये गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं पायल को डाल दूँगी, और ये पायल को डालकर इसको थोड़ा सा खौलाना है 2 मिनट तक, और बाद में खौलाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह से खौलाना है, और इसको अब चलिए हम उतार लेते हैं गैस से। अभी हो चुका है, अब इसको देखिए ठंडा होने के बाद इस तरह से एक टूथब्रश लेके और इसको साफ़ कर लेना है। बहुत हद तक ये साफ़ हो जाता है बिना पैसे खर्च किए। दूसरा एक और तरीका है पायल और चांदी साफ़ करने का, कॉलगेट से भी बहुत अच्छे से साफ़ करना।